हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉर्ट। कैरा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें थोड़ा सा लेट हो गया है। तो आज का जो वीडियो है वो है 7 दिसंबर 2020 को पूछे गए प्रश्न UP SSSC Lower 2 इंटरव्यू के। एक्चुअली क्वेश्चन भी थोड़े लेट से मिले थे और थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो सभी लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वीडियो को देख लेंगे, ताकि इससे आपको ये मालूम चले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। बेसिकली अपने विषय में सब कुछ पढ़िएगा। मैंने आपसे बताया है कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो किस सब्जेक्ट से किया है, और ये सब चीज़ें आपसे स्टार्टिंग में पूछेंगे वहाँ पर। आपका अपना अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा, और साथ में आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके विषय में जानकारी रखें। साथ ही अपने डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से आप आए हैं उसके विषय में भी पूरी जानकारी ज़रूर से रखें। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस यहीं से होंगे, उसके बाद से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, जो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उनके इंट्रोडक्शन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में बात होने के बाद से जो मेन आपका जो टॉपिक था उस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था अयोध्या का पुराना नाम क्या है। तो वो देखिए फैज़ाबाद है। नेक्स्ट पूछा गया था राम मनोहर लोहिया के विषय में। तो राम मनोहर लोहिया की बात कैसे आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो या तो फिर अयोध्या के रहे हो, ठीक है, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर उनका जो है एजुकेशन हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह कुछ कंप्लीट करी हो, तो इस वजह से राम मनोहर लोहिया का जिक्र यहाँ हुआ है। तो राम मनोहर लोहिया के विषय में बताओ, तो जो भी आपको इनके विषय में पता हो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री लिए हों, जहाँ से भी पढ़ रहे हों, PG किए हों, उस इंस्टीट्यूट के विषय में वो किसके ऊपर है, किसके नाम पे उसका नाम रखा गया है, किस वजह से उसका निर्माण हुआ, कब उसका निर्माण हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने यूनिवर्सिटी के विषय में जाननी है। तो राम मनोहर लोहिया के विषय में आप जो भी चाहें बता सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैज़ाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हीरा लाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। डॉक्टर लोहिया अक्सर यह कहा करते थे कि उन पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा है, एक मार्क्स का, दूसरे गांधी जी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी भी है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया था, ठीक है, तो उन्होंने कर दीजिएगा, सिर्फ मैंने उन्हें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। तो राम मनोहर लोहिया के विषय में ये चीज़ें हैं, और साथ में अगर आप कुछ और बताना चाहते हो तो बिल्कुल बता सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया है, एकदम इन्हीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने किसके साथ भाग लिया था, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में किसके साथ भाग लिया था। तो इसमें जब भी मैंने पढ़ा है इनके विषय में विकिपीडिया से, तो मुझे बहुत सारे नाम मिले थे। तो मुझे एक नाम मिला था जयप्रकाश नारायण का, जो इसमें शामिल थे। जयप्रकाश नारायण का नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ इसके बारे में कि ये उनके साथ इसमें भाग लिए थे कि नहीं, बिकॉज़ ये इसमें थे, इन्वॉल्व थे, ये मुझे पता है। तो अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर से कर लें। नेक्स्ट उनसे पूछा गया कि थर्ड ईयर में जूलॉजी की बुक के 2 राइटर का नाम बताइए, ठीक है, तो उनका थर्ड ईयर में जो है वो जूलॉजी रहा होगा, इसीलिए उनसे पूछा गया है कि बुक के दो किन्हीं 2 राइटर्स के नाम बताने थे जिनकी बुक्स चलती हों या फिर मिलती हों ऐसे मार्केट में। तो वो ये सब चीज़ें आपको भी पता होगा या फिर आपको रखना होगा, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं उनके किसी 2 राइटर के नाम आपको बताने होंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में एंजाइम जो होता है वो होता है एमिलेस, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्यालिन, ठीक है, इसे जो है त्यालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा गया ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन है, इसके पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, AB, AB और O, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताइए। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो रेड सेल्स पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो रेड सेल्स पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी पाया जाता है।
ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो रेड सेल्स पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, पर प्लाज्मा में ए और बी एंटीबॉडी में से कोई भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ, रेड सेल्स पर ए और बी दोनों एंटीजन में से कोई भी नहीं पाया जाता है और प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका आप कुछ और आंसर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के जो है वो मदद करता है, इसको ध्यान रखें। फिर पूछा गया इंसान और जानवर के बाल में अंतर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल नहीं पता है, आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे भी इसका आंसर मालूम चल सके, ठीक है। इंसान और जानवर के बाल में अंतर कैसे करेंगे, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे तो बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसे भी पता हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डीएनए का पूरा नाम बताइए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डब्ल्यूबीसी के प्रकार बताइए, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, तो किस तरह से होते हैं 5 प्रकार के ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रानुलोसाइट्स। ये 2 जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं। अब इसमें से जो आपका ग्रैनुलोसाइट होता है, ठीक है, इसमें से जो आपका ग्रैनुलोसाइट्स होता है ये खुद भी 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। और इसी तरह से जो आपका एग्रानुलोसाइट्स होता है यानी कि सेकंड वाला, ये भी 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 और 2 मिलाकर के जो है प्रत्येक प्रकार के ग्रैनुलोसाइट और एग्रानुलोसाइट संक्रमण और बीमारी से लड़ने में थोड़ी अलग भूमिका निभाता है। इस तरह श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ जो होती हैं WBC मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा इसे कि ये किस तरह से होती हैं 5 प्रकार की। नेक्स्ट पूछा गया था कि सेंट्रल फॉरेंसिक लैब कहाँ कहाँ है, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक आपका हैदराबाद में है। साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि देयर आर 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इन इंडिया, भारत में 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैं। कहाँ कहाँ हैं, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है ये आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो इसका आंसर ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आज पूछे गए हैं 7 दिसंबर के इंटरव्यू में, तो सभी के लिए जो कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आप ज़रूर से पढ़ते रहें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।